कैसे भैया फूल पत्ती तोड़ना? जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आगरा ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के आगे बनाए हैं, तो हमारे सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को रानी वाष्टा ने अपने पति की याद में बनाया है, तो ये बहुत ही प्रेम के प्रतीक निशानी कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं हमारी तीसरी जगह और हम खड़े हैं लक्ष्मण टेंपल के सामने। ये बहुत ही जाना माना प्लेस है, अगर आपने सिर्फ सर्च किया और लक्ष्मण टेंपल नहीं दिखाया तो फिर बात ही अलग है। अभी भैया और इस बारे में हमको बताएंगे, बताइए। और आप आए हैं लक्ष्मण मंदिर, देख सकते हैं कितने बहुत बेहतरीन बहुत ही प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर लक्ष्मण टेंपल के नाम से वर्ल्ड फेमस है। लक्ष्मण टेंपल सबसे पहले सर हमको 1872 में जेडी बेगलर और उनके सहयोगी लॉर्ड कनिंघम ने सबसे पहले खोज किए सर। तो ये मंदिर लगभग हमको खोजाई से नहीं मिला हुआ, ये एज इट इज मिला हुआ है और ये जंगलों से घिरा मिला मंदिर। साहित्यकार यूरोपियन एडार्ड ने बहुत ही बढ़िया संज्ञा दी है मंदिर के बारे में कि जिस तरह से ताजमहल समय के गाल पर चमकता हुआ आंसू के समान है, तो हमारा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर समय के भाल पर चमकती हुई बिंदी के समान अनमोल रत्न है। इसी प्रकार हमारे साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी संगीत दी है कि जिस तरह ताजमहल जीवंत प्रेम की निशानी है, तो हमारे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर शांत मौन का अनूठा प्रेम का प्रतीक निशानी है। नक्काशी इतनी खूबसूरती से झलक रही है ना, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगी कि यहाँ आते ही आपको टिकट लेना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि प्लीज़ टिकट लीजिए और फिर आप अंदर आइए, यहाँ पे ये ज़रूरी है। बाकी दो जगहें जहाँ हम गए थे वहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, यहाँ पे है, थोड़ा सा अमाउंट है, चलता है यार, भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। चलिए, मैंने तो टिकट ले ली है, अब आप लोग भी ले लीजिएगा। चलिए, लगभग यहाँ पे हमको जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें जो डेटिंग हमको प्राप्त होती है 625 से 650। जिस तरह से ताजमहल को बनाने में लगभग 1621 से 1654 लगभग 23 वर्ष लगे, तो लक्ष्मण मंदिर को बनाने में लगभग 625 से 650 इसको भी लगभग 25 वर्ष लगे होंगे। आप देख सकते हैं कितने टाइम लगे होंगे। और ये जो मंदिर है सर, रानी वाष्टा ने अपने पति के अंदर बनाया था और उनके पति विधवा मारा गया। भैया जब अभी बता रहे थे शिला लेख के बारे में, तो मैं उस बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे भी और जो हम सबसे पहली जगह गरंग टीला में, इन दोनों जगहों पे जो शिल्प लेख जो मिला है, शिला लेख जो है, वो शिला लेख हमारे रायपुर म्यूजियम में रखा है, जिसका वीडियो हमने बना चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और ऊपर आई बटन में भी मिलेगा, तो प्लीज क्लिक कीजिए, जाके वो भी देखिए, तो आपको और थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा इन शिला लेख के बारे में। आगे हम जानते हैं भैया से। तो मंदिर का सर पांच पार्ट होता है, जिसमें हमको पांच मंदिरों का देख सकते हैं। पहला जो प्लेटफार्म है, इसी को प्लेटफार्म है या हम इसको प्रदक्षिणा पर बोलते हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं सर, ये मंदिर का मंडपाला भाग है। ये पिलर जैसे हमको मिले हुए हैं, पिलर मंडप नहीं मिले हुए हैं। जैसे यहाँ का निर्माण शैली बताया मैं, निर्माण शैली, अलंकरण, सौंदर्य और स्थापत्य कला के दृष्टि से मंदिर बहुत ही यूनिक टेम्पल है। ये देख सकते हैं यहाँ भी ये जो ईंट की जो मैक्सिमम साइज है वो 3x6x14 है, ईंट की मोटाई है 6 की चौड़ाई है और 14 की लंबाई। जी आप देखेंगे तो पिछली जगह जो हम गए बौद्ध विहार, वहाँ पे भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ सफ़ेद पत्थर, काले पत्थर और सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, और इस मंदिर में भी यही है। तो ये चीज़ है जो सिरपुर के मोस्टली जगहों में आप देखेंगे कि इन तीन पत्थरों का सबसे विशेष रूप से प्रयोग किया गया, और बाकी आगे भैया बताएंगे। यहाँ भी देखना चाहेंगे सर, आइए तो मैं मंदिर का जो पुनः बताना चाहूँगा, ये हो गया उनका अंतराल या कैसे जो बोलते हैं, फिर आता है गर्भगृह, फिर उसके बाद सीतरा। तो यहाँ पे पांच भागों में बटा हुआ सर, ये देखिए, पहला पत्र शाखा, दूसरा रत्न शाखा, तीसरा मैथुन शाखा, पुनः पत्र शाखा और पांचवा है जो इसमें भगवान विष्णु का अवतार दिखाए गए। दाबी
ब्रह्मा जी है, बगल भगवान शंकर जी है और माँ लक्ष्मी पैर दबाते हुए है। तो इसे पता चलता है कि शिव टेम्पल है, परंतु गर्भगृह में भी जो मूर्ति है वो अनंत नागराज की सौम्य प्रतिमा है। तो हमारे यहाँ एक धारणा है कि भगवान लक्ष्मण जी को शेषावतार मानते हैं, उनके वजह से मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ गया है। तो आपको वजह पता चल गई कि इस मंदिर का नाम लक्ष्मण टेम्पल क्यों पड़ा है। आगे चलते, तो अभी तक हमने देखा कि इतनी खूबसूरती का काम, इतनी खूबसूरत नक्काशी, बहुत ही सुकून मिलता है जब अपने पुराने वक्त के ये सब चीज़ें देखने मिलती है, क्योंकि जनरली हमारे डे टू डे बेसिस लाइफ में हम ये सब चीज़ें देख नहीं पाते क्योंकि शहर में ऐसी जगह मौजूद नहीं है। हमें थोड़ा दूर आना पड़ता है रायपुर से, लेकिन अच्छा मौका ये मिल जाता है कि घर वालों को लेके आके ये सब जगहें देखने मिल जाती है। तो आइए आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, क्योंकि बच्चों को मैं इसलिए बोलती हूँ हर बार कि आप लेके आइए, क्योंकि उनको ये सब जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे मेरे मॉम डैड लेके आए हैं, वैसे आप अपने बच्चों को लेके आइए, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को लेके आइए, सबको फैमिली को पूरी लेके आइए और उनको भी एक साथ, ये एक बहुत अच्छा होलसम फैमिली एक्सपीरियंस है। देखिए जानिए। ये देखिए सर, ये ईंटों में नक्काशी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये तुरण की पत्ती, जैसे तुरण घरों में हम लोग तुरण की पत्ती लगाते हैं ना सजाने के लिए डेकोरेट के लिए, उसी प्रकार तुरण की पत्तियों को बहुत सुंदर कार्विंग में, ईंटों में कार्विंग मिलते हैं। बताते हैं कि पत्थरों में नक्काशी करना सरल है, ईंटों में नक्काशी करना बहुत कठिन है। तो उस समय के जो कारीगर कितनी मेहनत यहाँ पे किए होंगे, ये मैं आपको बताया हूँ पंचारथा स्टाइल में। तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये तो पंचरथ नागर शैली में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। आप कोणार्क सन टेम्पल पर जाएंगे पुरी में तो ठीक उसी प्रकार को भी इसी शैली में बने हुए मंदिर मिले हैं। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो पिरामिड शैली है। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, जो मध्य वाले भाग में है बहुत ही सुंदर ये खिड़की नुमा फाल्स विंडो बने हुए। तो ये सर एक हम आपको बहुत ही बढ़िया और चीज दिखाने जा रहे हैं। उस समय सर ये पुराना कुआं हमको खुदाई से ही मिला हुआ है, लगभग मान के चलो ये भी हजार साल पुराना कुआं हम आपको दिखाएंगे, प्राचीन कुआं जो अभी तक तो सर जैसे का वैसे साबुत मिला हुआ है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया, लगभग 40 से 50 फीट गहरी ये कुआं हमको देखने को मिलते हैं, प्राचीन कुआं। देख सकते हैं ये सर अंडाकार में बना हुआ है, इसकी बनावट एक संरचना ओवल शेप में है, आप देख सकते हैं, और रिंग वेल बना हुआ है। यहाँ पे सिरपुर में एक चीज़ बहुत प्यारी है कि हर जगह का कंस्ट्रक्शन के पीछे बहुत दिमाग लगाया गया है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो या बाढ़ आए तो बाढ़ से डैमेज कम हो, जितना कम हो सके उतना कम हो। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। और कुआं देख के तो भाई डर लग रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपने बच्चों को पास में मत आइएगा, नहीं तो गलती से अगर वो गिर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर। और बताइए एक चीज़ और देख सकते हैं, कुआं में अभी तक काई नहीं लगी हुई है, पत्थर देख कितने बढ़िया मस्त चमक रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। तो ये चीज़ वो लोग कितनी बढ़िया पत्थरों में भी वो लोग जब जुड़ाई की हमें तो उसमें कुछ अलग से वो लोग लेप किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन है। और ये था लक्ष्मण टेम्पल। यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट और प्लीज़ 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 अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ आइए, उनको भी ये जगहें दिखाइए, अगर आप आ नहीं सकते तो कम से कम आप देखिए तो सही और अपने आसपास के सब लोगों को दिखाइए। और ये वीडियो में आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा, थोड़ा सा नॉइज़ आया होगा, वो एक्चुअली इसलिए कि हमारा कैमरा ख़राब हो चुका है, तो हम इस बार अलग तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आगे बने रहते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे का सिरपुर के बारे में और स्पेशल जगहें दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।